नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज नहीं हुए ईडी के सामने पेश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए किया गया था तलब। पार्टी तर्जुमान ने कहा पहले भी किया है तआवुन और जारी रखेंगे तआवुन। फारूक अब्दुल्ला ईडी के समन पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा सिर्फ अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को ही क्यों बनाया जा रहा है निशाना। बीजेपी ने कहा अगर फारूक अब्दुल्ला बेगुनाह है तो उन्हें जांच एजेंसियों के साथ करना चाहिए तआवुन। महबूबा मुफ्ती ने किया बोट कॉलोनी खाना बल का दौरा, आग मुतासिन से की मुलाकात, फौरी मुआवजा फराहम करने का हुकूमत से किया मुतालबा। फारूक अब्दुल्ला को ईडी के समन पर भी रद्दअमल, कहा इंतखाबात से कबल होती हैं अपोजिशन लीडरान पर ऐसी कार्रवाइयां। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का बयान, कहा दरअंदाजी पर मुसलसल नजर, मंशियात की स्मगलिंग की कोशिशें जारी, मजबूरी तौर पर हालात में आई है बेहतरी। राजौरी और पुंछ के इलाकों में कुछ वाकयात आए हैं पेश, दहशतगर्द तंजीमों को सरहद पार से मिल रही है मदद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जेर सदारत एक मैराथन सिक्योरिटी जायजा मीटिंग, सिविल इंतजामिया और पुलिस अफसरान के अलावा सिक्योरिटी एजेंसियों के अफसरान की शिरकत। जम्मू कश्मीर के मजबूरी सिक्योरिटी मंजरनामे से किया गया सिन्हा को आगाह। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की गाड़ी को पेश आया हादसा, महबूबा मुफ्ती सही सलामत, एक अहलकार हुआ है जख्मी। संगम बीच बिहाड़ा में पेश आया हादसा, अनंतनाग जा रही थी महबूबा मुफ्ती। इंसाफ के लिए है राहुल गांधी की नई यात्रा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कौमी तर्जुमान अखिलेश प्रताप सिंह का बयान, कहा सिर्फ अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं को निशाना बना रही हैं जांच एजेंसियां, मौजूदा हुकूमत में न सरहदें और न कोई और महफूज। सलसबील कॉलोनी हमहामा बडगाम में पड़ गई है जमीन में दराड़ें, जमीन का खिसकना हो गया है शुरू, लोगों में काफी खौफ। हुकाम ने किया इलाके का दौरा, पूरी बस्ती को करार दिया है गैर महफूज, लोगों को अपने मकामात को छोड़ने की हिदायत। बडगाम पुलिस ने किया दो मंशियात फरोशों को गिरफ्तार, ममनुआ मादा और एक जिंदा कारतूस बरामद। दसुल्लापुरा में एक घर पर छापा, जुबैर अहमद ऋषि और बिलाल अहमद ऋषि को किया गया गिरफ्तार, मजीद तफ्तीश जारी। मुलर झील में सीसीटीवी कैमरों की स्ट्रैटेजिक तैनाती, महाजिर परिंदों को निशाना बनाने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों पर लगी है रोक। मुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने उठाए हैं कई इकदाम, परिंदों को महफूज और आरामदेह माहौल फराहम। जम्मू कश्मीर सनातन धर्म सभा ने किया है 22 जनवरी को महा दीपावली मनाने का फैसला, इसी रोज होगा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम मुनक्किद, कहा जम्मू और कश्मीर के 5000 मंदिरों में खुसूसी प्रेयर्स का किया जाएगा इहतमाम। कश्मीर और हिमाचल की वादियों में बारिश और बर्फबारी का इंतजार, सयाह भी मायूसी के शिकार, खुश्क मौसम खत्म होने से किसान और मेवा काश्तकार परेशान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सर्द लहर जारी। Presented by पतंजलि च्यवनप्राश, बेशकीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश।
और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, तहरीक हो रही है जब मुस्लिम लीग मुसरत आलम ग्रुप पर कार्रवाई की खबर है। तमाम असासे जब्त करने और बैंक अकाउंट्स मुंजमित करने की खबर है। वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को दी है हिदायत। तहरीक हुर्रियत और मुस्लिम लीग मसरत आलम ग्रुप पर कार्रवाई, तमाम असासे जब्त करने और बैंक अकाउंट्स मुंजमित करने की हिदायत। वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को इस बारे में हिदायत जारी की है। दोनों तंजीमों पर हाल ही में आयद की गई थी पाबंदी। इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं, तहरीक हुर्रियत और मुस्लिम लीग मुसरत आलम ग्रुप पर कार्रवाई, तमाम असासे जब्त करने और बैंक अकाउंट्स मुंजमित करने की हिदायत। वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को ये हिदायत जारी की है। दोनों तंजीमों यानी कि जो तहरीक हुर्रियत है और मुस्लिम लीग मुसरत आलम ग्रुप है, इन दोनों तंजीमों के बारे में खबर यह है, इन दोनों तंजीमों पर हाल ही में आयद की गई थी पाबंदी। और ज़िला डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में फौज के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा दो रोज़ा चनाब वैली रेसलिंग चैंपियनशिप इख्तिताम पज़ीर हो गई। इवेंट के दूसरे रोज़ फाइनल रेसलिंग मैच खेला गया। दो भाइयों के दरमियान होने वाले फाइनल मैच में निसार पहलवान ने नदीम को शिकस्त दे दी। नवे सेक्टर आर्मी के ब्रिगेडियर मेहमान खसूसी थे। सबक फौजियों के साथ साथ वीर नारीज के लिए एक रैली का अहतमाम किया गया। इसमें ज़िले भर से सबक फौजियों, फौजी विवाहों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सैनिक वेलफेयर बोर्ड के अफसर ने साबिक फौजियों के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों के बारे में बताया। ब्रिगेडियर ने जीतने वाले पहलवानों में नकद इनामात और असनाद तकसीम की। एक परिवार का, एक घर का सबसे बड़ा होता है, जैसे वो अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करके उनकी हर तरीके से मदद करता है, उसी तरीके से आर्मी वाले भी हमारे एक सर्विसमैन की मदद करते हैं, जैसे पूरा परिवार एक इकट्ठा करके उनकी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज़ में, पेंशन में या कोई चीज़, जैसे कैंटीन फैसिलिटीज़ है या दवाई की फैसिलिटीज़ है, उनके बारे में पूछ के हम उस चीज़ के बारे में ये सारी रिपोर्टिंग लेते हैं और हम सर्विसमैन की ये मदद करते हैं। जी बहुत बढ़िया लगा, ये जो आर्मी ने रेसलिंग करवाई, चनाब वैली का ये खिताब करवाया, बहुत बढ़िया लगा। इसमें ये जो बच्चे आए थे इनका थोड़ा और हौसला अफजाई हुई। इसी तरह ये रेसलिंग चीफ यहाँ पे होनी चाहिए, जैसे पुलिस है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, इनको भी इसी तरह तरीका का कराना चाहिए, जैसे मैट के, जो मैट की कुश्ती पहली बार फर्स्ट बार डोडा डिस्ट्रिक्ट में हुई है, तो इसी तरह जो आगे भी सिस्टम है इसी तरह होना चाहिए। हर एक स्टेट में खेला है, महाराष्ट्र में, MP में, बिहार में, यहाँ चंडीगढ़ में, हिमाचल, हर जगह खेल के आए हूँ मैं। नौजवान को यही है कि अगर अपना अपने आप को बचाना है, कोई भी गेम है, रेसलिंग है, कबड्डी है, फुटबॉल है, हॉकी है, कोई भी, उसमें हिस्सा लें और अपने आप को बचाएं, नशा से बिल्कुल दूर रहें। मेरा सभी एक्स सर्विसमैन से अनुरोध रहेगा कि जो भी उनकी शिकायतें हैं, ग्रीवेंस हैं, उसे सिर्फ रैली तक ही सीमित ना रखें। जैसे कि विंग कमांडर तीरथ ने बताया, कोई भी दिक्कत होती है तो आप, कभी भी दिक्कत होती है, नहीं भी होती है, आप बेझिझक या तो आप जिला सैनिक बोर्ड में चले जाएं या हमारी किसी भी COB में, जो कि दूर दराज वाले इलाके में है, किसी भी COB में जाएं। कोई आपका डॉक्यूमेंट है, कोई पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई PPO की प्रॉब्लम है, आप बताएं उन्हें, उन्हीं को अपना डॉक्यूमेंट भी दे दें। और पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत पुलवामा में पब्लिक दरबार का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी R&B भूपेंद्र कुमार ने सदारत की। जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शमूलियत की और अपने मसाइल उजागर किए। कुमार ने DC पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम और DDC चेयरमैन पुलवामा सैयद बारी इंद्राबी के हमराह मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से कायम किए गए स्टॉलों का मुआयना किया। तो आज ये जो इवेंट यहाँ पे है, इसमें पब्लिक की पार्टिसिपेशन के साथ उनके इश्यूज़ को समझना, वो हमारी प्रायोरिटी है और एम ये है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं, उनको किस तरीके से हम जल्द से जल्द सैचुरेट कर पाएँ ताकि हर कोई बंदा जो उस स्कीम का हकदार है उस तक वो बेनिफिट पहुँच पाए। ये सिर्फ पुलवामा हेडक्वार्टर पर नहीं हो रहा, ये प्रोग्राम्स हमारे डिस्ट्रिक्ट के बाकी हिस्सों में भी हो रहे हैं। उसके अलावा ब्लॉक दिवस रहता है, पंचायतों पर एक्टिविटीज़ रहती हैं। तो आज हमारी कोशिश, जो गवर्नमेंट की कोशिश यही है कि हर एक जो गवर्नमेंट की स्कीम है, और हम देख रहे हैं कि बहुत सारी स्कीमों में सैचुरेशन आ रही है, किसी टाइम पे जैसे बेनिफिशियरी को वेट करना पड़ता था अपना हक लेने के लिए, आज प्रोएक्टिवली
ये कोशिश की जा रही है कि डिपार्टमेंट्स खुद आउटरीच करें और लोगों तक पहुंचें। और मुझे ये उम्मीद है क्योंकि जहां जो मैंने अभी यहां पे जायज़ा लिया है, बहुत सारी स्कीम्स में सैचुरेशन ऑलरेडी आ रही है, नियरिंग सैचुरेशन हम पहुँच रहे हैं। और ज़िला गांदरबल के वाकुरा इलाके में लोगों ने महकमे उमूर सार्फीन के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि राशन कार्डों की नए सिरे से वेरिफिकेशन के दौरान लगभग 250 के करीब गरीब लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। लोगों ने इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर गांदरबल से अपील की है कि वो इस मामले में मुदाखलत करके इनके मसाइल का इजाला करें। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन न्यूज़ 18 जेके एच पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।